Lili. अगर ये ऐसा ही रहा तो हम सबको पागल कर देगा। ये किसी की सुनेगा तब ना। लिली कहाँ हो तुम? ए बॉबी कहाँ जा रहे तू? रुक जा, हम लोग भी आ रहे तेरे साथ। ए बॉबी, बॉबी रुक, ए बॉबी रुक जा। लिली, लिली कहाँ हो तुम? लिली, ए बॉबी क्या कर रहा है? अरे बॉबी पागल हो गया क्या? बाहर है बॉबी। ए बॉबी पागल, बाहर आ, मर जाएगा। ए बॉबी बाहर आ, बाहर आ जल्दी। ये माँ पागल है यार, सच में ये हम सबको भी पागल कर देगा यार। चल गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, चल यहाँ से। लिली क्या तुम मेरी बात सुन पा रही हो? लिली, लिली मेरी बात सुन रही हो? लिली कहाँ हो तुम? लिली प्लीज एक बार बताओ कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ। अरे भूल जा उसको, वो वापस नहीं आने वाली है। चल बॉबी गाड़ी में बैठ, जल्दी गाड़ी में बैठ, बैठ गाड़ी में बैठ, जल्दी जल्दी बॉबी गाड़ी में बैठ। तू लिली, बॉबी गाड़ी में बैठ जल्दी। लिली उसका आना मेरी जिंदगी में एक नया आगाज था, उसका जाना मेरे वजूद की मौत। अब मैं सिर्फ एक जिंदा लाश बन के रह गया हूँ, सांस लेती जिंदा लाश। अरे बॉबी, बॉबी एक मिनट रुक जा। बॉबी एक मिनट मेरी बात सुन। अनीता ने सुसाइड अटेम्प्ट फी प्रॉब्लम की वजह से नहीं की थी। प्रिंसिपल को कुछ मत बोल, अनीता का घर का पर्सनल प्रॉब्लम था यार। अच्छा तो चल पहले अनीता के पास चल, उसी से बात करते हैं। चल गाड़ी में बैठ। देख बॉबी, अनीता को कुछ मत कहना, ओके? उसकी तबीयत खराब है अभी, ज़्यादा कुछ मत कहना अनीता को। अनीता क्या ये रघु जो कह रहा है सच कह रहा है? बॉबी प्लीज ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुमको इस पे दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं, मैं देख लूंगी। अरे ऐसे कैसे, तुम्हारी वजह से पूरा कॉलेज परेशान है, कॉलेज के सारे लड़के लड़कियां परेशान है, सबको यही लग रहा है कि तुमने फीस जमा नहीं दे पाई इसलिए सुसाइड अटेम्प्ट किया और तुम यहाँ पे। ए बॉबी छोड़ ना यार, इसको ठीक होने दे ना, इसकी हालत थोड़ी नाजुक है, इसको ठीक होने दे फिर बात करेंगे ना आराम से। चल बॉबी चल अभी यहाँ से। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें डरना नहीं चाहिए। कभी कभी जो हमें चाहिए उसके लिए युद्ध करना पड़ता है। कॉमरेड सूर्यम मेरे दादाजी, उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के लोगों को जीना सिखाया। स्टूडेंट्स की कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो हमारी प्रॉब्लम हो जाती, हम आवाज उठाते इसलिए लोग मुझे कॉमरेड बुलाने लगे। देख रघु, सामने इलेक्शन है, इस बार हम लोग को हर हालत में स्टूडेंट की फी कम करवानी पड़ेगी। इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते, इसलिए इस बार हमको हर हाल में स्टूडेंट की फी कम करवानी है। हाँ बॉबी सही कहा तूने, अगर हम लोगों ने आवाज नहीं उठाया तो और कौन उठाएगा। हाँ तो रघु इस बार तू एकदम तैयार रहना। अरे क्या हुआ अनीता, तू रो क्यों रही है? अरे चुप, रोना बंद कर और बता क्या हुआ। सूर्य का भाई मुझे हर वक्त छेड़ता रहता है, उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसकी ना हूँ तो वो मुझे किसी की होने नहीं देगा, वो मुझे जान से मार देगा बॉबी, वो मुझे जान से मार देगा। ए रघु चल चल चल, तो गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, उसको देखते हो अभी। चल देख बॉबी, वो एमएलए का भाई है, हमें कोई लफड़ा नहीं चाहिए, हम लोग सिर्फ आराम से बात करेंगे ठीक है। बस एकदम उसके घर के सामने रोक दे, सामने ले चल, बस उसे ये देख सामने ये रहा। क्या रे चिल्लर लोग, क्या मांगने आए हो? भैया अभी एमएलए बने नहीं है, तुम लोग अपनी मांग लेके आ गए? हम लोग अनीता के बारे में बात करने आए हैं। देख सीधा सीधा बता रहा हूँ, अनीता को परेशान करना बंद कर। अगर बंद नहीं किया तो क्या कर लेगा तू रे, जा जा। ए बॉबी चल यार यहाँ से चल, बाद में देख लेंगे इसको। तू एमएलए का भाई है इसलिए वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आइंदा से दोबारा अनीता को परेशान किया
तो दोबारा और किसी को परेशान करने लायक नहीं रहेगा। अरे जा 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 निकल निकल। सामने इलेक्शन है इसलिए बच गया साला, नहीं तो उसकी हड्डी तोड़ के अनीता के पास ले चलता। बाबी तो टेंशन मत ले, इलेक्शन खत्म होती है उसका काम पहले क्लियर करेंगे। वो देख के देखे। अरे यार ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आप लोग कहीं लगी तो नहीं? अरे बॉबी, इसने तो हेडलाइट तोड़ दिया यार बाइक का। ए लड़की, तू देख के नहीं चल सकती क्या? बीच रोड पे कौन चलता है इस तरह? तुम जैसे लोग को तो जेल में डाल देना चाहिए। आई एम सो सॉरी भैया। ए बॉबी, ये तो भैया बोल रही है। अब अचार डालो क्या तेरी सॉरी का? चल पैसे निकाल, तेरे पास जितने पैसे है सब निकाल। ठीक है ये लो। टेंशन मत लो, जितने बचेंगे बाकी के चिल्लर कला के यहीं पे ले जाना। चल रघु चल। कितना बड़ा कमीना है, लड़की से पैसे लेता है।